let's say in accordance with the previous part, the examiner flipped the situation. और अब तुमसे पूछा जाए यार कि तुम ग्राफ बना के दिखा दो, तो यू नीड टू रियलाइज दैट द ग्राफ इनिशियली वाज दिस, राइट? अगर हम इस केस को माइंड में रख रहे थे कि 0 meter per second से टू अ वैल्यू ऑफ 20 meter per second जा रहे थे, एंड वी रियलाइज दैट द व्हाट डू यू से द एक्सेलरेशन हैड बीन चेंजिंग, ठीक है? तो जो अब ग्राफ मेरा फॉर द रिवर्स केस बनेगा, तो हमारा ग्राफ कुछ इस शेप का बन जाना चाहिए, ठीक है? बेसिकली आर प्रोवाइडेड विद एन एमसीक्यू. लेट्स से मेरे पास एक बॉल थी विच हैड एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0 meter per second, राइट? एंड इट वॉज मूविंग अंटिल इट केम टू रेस्ट, और जो डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर की थी वो है s ऑल दिस टाइम. इफ द इनिशियल स्पीड हैज इंक्रीज्ड बाय 40%, हाउ मच डिस्टेंस विल इट नाउ ट्रैवल बिफोर इट फाइनली कम्स टू रेस्ट. दिस वाज अ पॉसिबल क्वेश्चन फॉर 2016, आई थिंक, जो मुझे याद आ रहा है. ऑप्शन डेफिनेटली चार ऑप्शन होते हैं, एक एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया है, सो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम. चेक कर लो इफ यू कैन डू दिस. You need to realize one thing that kinematics में यार तुम्हारा formula बड़ा matter कर रहा होता है. ठीक है, आपको सबसे पहले check करना है कि आपको कौन कौन सी quantities given है. You are provided with s, ठीक है? You are provided with initial velocity, you are provided with the final velocity, मतलब कि तुम्हारे पास v है, तुम्हारे पास u है, तुम्हारे पास s है. देयर इज अ फॉर्मूला दैट रिलेट्स दीस थ्री कंपोनेंट्स, एंड दैट इज v स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू u स्क्वायर्ड प्लस 2as, राइट? सेकंड थिंग दैट यू नीड टू नो इज के लेट्स जस्ट से योर इनिशियल वेलोसिटी, जो आपको सवाल में बोल रहा है, initial velocity increases by 40%. Now 40% increment, अगर let's say मेरे पास initially मेरे पास let's say 100 upon 100 times of u था, तो तुम उसको simply ये value u कह देते थे, right? अगर 40% increase है तो वो somewhat ये नहीं हो जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 टाइम्स ऑफ यू. द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज इज टू जस्ट पुट इन द वैल्यूज. 40% इंक्रीज करने का मतलब कि अब तुम यू की जगह 1.4 टाइम्स ऑफ यू से ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है? v squared is equals to u squared plus 2as होता है वैसे ही, right? आपकी final velocity is coming to around 0. u square is becoming, yeah, for a minute you अभी फिलहाल सोच लो, u squared plus 2as मैंने equation में put forward कर दिया. I'm simplifying it such that, एक बात और याद रखना, the body from initial to final is coming to rest, मतलब कि the body was decelerating. ये बात समझ आती है? The body was definitely decelerating, तभी वो जाके देखो stop हुई है, right? जी सर. And deceleration simply means negative acceleration. तो अगर आप उसको rearrange करने जाओ, तो u square अगर तुम उधर ले जाओगे तो वो minus u square is equals to minus 2as हो जाएगा, तो minus minus cancels off, and you need to realize कि u squared is equals to 2as, and u squared is directly proportional to the displacement, क्योंकि acceleration तो constant है, और आपसे मांग भी यही रहा है कि distance और speed का correlation.
So now if u squared is directly proportional to s, right? Initially, जब मैं u से आ रहा था तो मेरे पास displacement s आ रही थी, right? अगर मैं 1.4 u से आता हूं तो जरा मुझे स्क्वायर करके बता सकते हो कितना कितनी वैल्यू आ रही है 1.4 का स्क्वायर? 2.07 का 2.07 आ रहा है, चेक इट ऑफ, स्क्वायर इज 1.96 आना चाहिए, 1.96 या 1.96 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी, मतलब के तुम्हारा 96% डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी। लेट्स से मेरे पास एक बॉल है जो कि इनिशियली वाज एट रेस्ट, मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूं, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, बॉल गिर रही है, ठीक है, अंटिल वो जमीन पे जाके गिर जा, मतलब इट टचेस द ग्राउंड, ठीक है। मुझे बस इतनी ही डिटेल दी हुई, एंड आई एम टोल्ड टू स्केच अ ग्राफ। लेट्स से सबसे पहले उसने मुझे बोल दिया velocity against time का graph मुझे draw करके बता दो। Now simply what you do is you pick out the formula और formula से work off करना please। V is equals to u plus at है, right? तुम्हारी u जो है वो zero है, so it simply cancels off। So velocity is directly proportional to time बोल लो, because y axis पे तुम्हारा टाइम ही प्लॉट करने का बोला, वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का ग्राफ, राइट? सो द लाइन, बिकॉज़ देयर इज नो इंटरसेप्ट, ये y = mx + c को सैटिस्फाई कर रहा है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, वेयर द ग्रेडियंट वुड बी योर एक्सीलरेशन। ओके, अगली बात जो बोल रहा हूं सुन लो, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल द ग्रेडियंट विल गिव द एक्सीलरेशन, right? Since acceleration is constant throughout because air resistance hai nahi, to tumhari jo line ho jayegi wo straight line ho jayegi. In the presence of air resistance case thoda sa different hoga, wo hum thoda aage jaake karenge, theek hai? Let's say mujhe next graph wo bol deta yaar ke displacement against time ka graph draw karke bata do. Simply you choose the formula S is equals to S or T ko relate karne wala formula dekh lo kaun sa hai, ye hai, theek hai? So S is equals to UT plus half AT squared, yet again initial velocity dekh lo hamari zero given hai, so main is part ko cancel off kar deta hu, right? So the displacement is directly proportional to T squared, right? एंड प्रीवियसली भी मैं बता चुका हूं कि y ये हो जाएगा y is equals to x square का ग्राफ, y is equals to x square का ग्राफ is a parabola, right? टाइम को हम नेगेटिव वैल्यू में नहीं लेते, इसलिए ये पूरा पार्ट कैंसिल ऑफ हो जाएगा, एंड दिस वुड सिंपली बी somewhat like this. होता है, एक बात याद रख लेना यार कि the gradient of this graph, gradient of a displacement time graph will always give you the velocity, will always provide you with the value of velocity, ठीक है? Since the gradient is increasing, how do I know the gradient is increasing? At for a curve there are tangents, मतलब कि different points पे different gradients होंगे, तो अगर तुम चेक कर लो, ग्रेडियंट वैल्यू इज इंक्रीजिंग, द कर्व द स्लोप इज इंक्रीजिंग, सो डेफिनेटली द वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। नेक्स्ट मुझसे कह देता है लेट्स से काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मुझे ड्रॉ करके बता दो, राइट?
Now, kinetic energy is equals to half mv squared hota, right? Now, you need to realize that v square leading on to displacement comes from this formula, right? So I'm simply substituting that value in place of v square. Half m v squared is equals to u squared plus 2as is the formula, right? So ye kinetic energy ke saath aa gaya. You need to realize one thing, that initial velocity humne zero consider ki hui hai. So kinetic energy is equals to half m 2as, 2 cancel off ho gaya, to kinetic energy is directly proportional to the displacement. Dekh rahe ho? To yahan se mere paas jo graph aa jayega wo ek straight line through the origin again. I hope ye cheez clear hoti hai. Agar tumse keh deta, for the same case kinetic energy against time bana do. Kinetic energy against time, right? So again, kinetic energy is equals to half mv squared. The equation relating time and velocity is v is equals to u plus at, right? So kinetic energy is equals to half m u plus at the whole squared ho jayega. You need to realize u is zero again. This becomes half m a squared t squared. Jab main isko expand karunga square ke under. So kinetic energy and t square ka relationship hai. So this would simply be y, just like y is equals to x squared ka graph. The next point is ke, what if terminal velocity was present? What if air resistance was present? Sorry. If air resistance is present, yaad rakhna, there comes a point, right? Jab tumhari acceleration of free fall becomes equal to the air resistance. Matlab ke jo downward force hai, wo upward force ke saath balance off karti hai, and as a result, your resultant force becomes zero. O levels mein agar aap log ne terminal velocity ka concept agar aap logon ko yaad ho, let's say terminal velocity mein samjha dun kya hota exactly. Let's say mere paas ek ball thi, initially uski velocity was zero, sahi hai, wo fall kar rahi thi under the presence of gravity, there was no air resistance initially. Jaise jaise ball girti jayegi wo ek speed gain karti jayegi, right? Speed ke ho jane se, there is a small fraction of air resistance acting as well, right? There comes a point ke speed itni zyada badhti jayegi ke wo air resistance ke component ko badhati jayegi to an extent where the weight becomes equal and opposite to the air resistance. Now, according to Newton's second law, right, resultant force is equals to mass into acceleration, right? Resultant force matlab ke, let's say mera weight tha 10 newton aur mere air resistance bhi let's say 10 newton tak aa gayi, to agar resultant force hi mera zero ho jayega, to do you think there would be an acceleration? Acceleration nahi hogi, right? Acceleration jab zero ho jati hai to body becomes या फॉल्स अंडर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी फिनोमिनन. तो द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विथ विच इट फॉल्स नाउ इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, तो मीनिंग टू से अगर मैं अपना वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम का ग्राफ ले रहा था, velocity against time का graph ले रहा था, जो कि initially पहले एक straight line थी, right?
टर्मिनल वेलोसिटी के आ जाने से वो उसको स्लो डाउन करेगा, ठीक है? एंड वो उसको स्लो डाउन करेगा सच दैट कि वो फिर एक कांस्टेंट वैल्यू पे आके ट्रैवल करना शुरू कर जाए. ग्रेडियंट ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. सही है. ओके प्लीज यू नीड टू लर्न दिस. ओके, ग्रेडियंट ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन एंड द ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल प्रोवाइड यू विद द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वुड प्रोवाइड यू विद एक्सेलरेशन. एरिया अंडर द कर्व तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे देगा. अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वुड प्रोवाइड यू विद वेलोसिटी एंड एरिया अंडर द कर्व प्रोवाइड यू विद नथिंग.